कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को देखते हुए पूरे देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। इसी श्रृंखला में आज नागपुर में भी मार्च निकाला गया, जिसमें सभी सीनियर जूनियर डॉक्टर शामिल हुए थे। हाथों में न्याय की मांग के संदेश के बैनर के तले वी वांट जस्टिस के नारे लगाए गए। जब तक आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती, तब तक काम बंद का ऐलान भी मार्च में शामिल हुए डॉक्टर्स द्वारा किया गया। आजीकर मेडिकल कॉलेज पश्चिम बंगाल में चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या एवं चिकित्सा छात्रों पर हुए हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर सब में ओपीडी सेवाएं शुक्रवार को बंद रखी गई। इस एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन में जिले की समस्त चिकित्सा संगठनों से संबंधित शासकीय एवं चिकित्सालयों के चिकित्सक ओपीडी सेवाएं नहीं देते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सर, मेरा नाम अंकिता अजय अढ़ाव है। आई एम स्टूडेंट ऑफ भाऊसाहेब मुलक आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर। सर, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर इज वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अगर डॉक्टर को डॉक्टर ही नहीं सेफ रहेंगे तो बाकी जनता क्या सेफ रहेगी, ये समझना चाहिए। और यहाँ पे सब ये जो चल रहा है पॉलिटिक्स, ये बंद करो। वो जो बच्चे की जान गई है उसके बारे में सोचो। एक्चुअली मतलब ये तो ऐसा हुआ कि नन्ही सी जान, एक नन्ही सी जान मुट्ठे में समाने चली पूरा आसमान। सपनों को छीना रूप लेके शैतान का कफन बना दिया है तूने मेरे ऐप पर रौनक। अगर एप्रोन सेफ नहीं है तो फिर बाकी जनता क्या सोचेगी सर? मतलब बाकी पेरेंट्स कैसे उनके बच्चे को बाहर जाने देंगे? तो ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि आप मतलब डॉक्टर्स को सपोर्ट करो, उस बच्चे के बारे में सोचो, ना कि बाकी मतलब वो मत सोचो यार। ये जो है इसके लिए करो, ये सब मतलब सब सपोर्ट करो इस चीज को। जो भी देख रहे हैं, जो भी जनता देख रही है, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि सपोर्ट करो। कल आज हम है, कल आपके बच्चे रहेंगे। स्टेट के बारे में मत सोचो, आज उस बच्चे पे बीते कल आप पे बीतेगी, कल आपकी बच्ची पे बीतेगी। तो सपोर्ट करो, ठीक है? बस सर, मतलब मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। अगर खुद रेपिस्ट बोल रहा है कि हैंग मी, अगर खुद रेपिस्ट बोल रहा है कि मुझे फांसी दो, तो फांसी उसके लिए मतलब फांसी नहीं है उसके लिए मतलब उसको जितना तड़पा तड़पा के मारा है ना वो डॉक्टर को, उसको वैसे मारो। उसको तो रास्ते में लो और जितनी भी डॉक्टर्स लड़कियां है उसके हाथ में लो। मेरा नाम विधि धीरज यादव है। मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर की छात्रा हूँ। और जो घटना घड़ी है वो जब सुनने के बाद हाथ में मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत करके अपने माँ बाप का हम सपना पूरा कर रहे हैं, एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, समाज की सेवा करने जा रहे हैं, और आज हमें इस बात को सुनते हुए डर लगता है कि हम जो चीज जिस समाज की हम सेवा करना चाहते हैं वही समाज आज हमारे लिए इतना डरावना माहौल बना के रखा है कि हमें हमारे स्कूल में कॉलेज में जाने से लेके तो हमारे हॉस्पिटल से बाहर निकलने तक इतना डर लगता है कि हम पढ़े, हमारे माँ बाप का सपना पूरा करें या खुद की सेफ्टी देखें या लोगों की जान बचाए। तो लगता है कभी कभी कि जिस प्रोफेशन को हमने चुना था आज उसी प्रोफेशन में रह के हमें इतना डर लग रहा है। और लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे घर में कितना हमसे ज्यादा डरे हुए कि हमारी बच्ची बाहर जा रही है। आज कहने को तो समझ में उसके भाई है, उसके पिता है, उसके चाचा है, पर उनमें से कोई लोग उसका गला ऐसे पकड़ के मतलब उनकी आंखें क्या सोच रही है, उनकी निगाहें कैसी है। और आज जो लड़की एक इतना नोबल प्रोफेशन माना जाता है, जो उस प्रोफेशन पर जब बात होती है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है कि शायद या तो समाज को बदलना चाहिए या तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ हमारे लिए करना चाहिए जिससे हमें जब तक सेफ्टी ना मिले हम समाज की सेवा ना करें, जब तक समाज हमारे लिए उतना प्रोटेक्शन क्लियर ना करे। बस मुझे यही कहना है, और यही कहना है कि समाज में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, वरना यही चीजें बढ़ती जाएगी और शायद कभी नहीं। हमारे जो सहेलियां हैं वो यहाँ से 8-8, 16-16 घंटे बिहार, हरियाणा, औरंगाबाद, यहाँ से दूर दूर से उनके माँ बाप के फोन आए हैं, पिताजी के, माताजी के, कि बेटा भले ही वो घटना वेस्ट बंगाल की है पर क्या नागपुर में भी तुम्हें वैसे ही डर लगता है? हमें क्यों नहीं डर लगेगा? जरूर हमें बहुत डर लगता है। उस घटना के बाद हमें बहुत डर लगता है। हमें जहाँ सेफ लगता था पहले, आज हमें वही उसी जगह पर उतना बहुत ज्यादा डर लगता है। रैली में आते वक्त भी हमें डर लग रहा था कि हम कर तो रहे हैं और कहीं किसी वीडियो रिकॉर्डिंग में हम आ रहे हैं और दिख रहा है कि ये लड़की उस लड़की के लिए लड़ रही है, तो भाई हमारे लिए तो वो चीज हमें ही तो डर है हमारे मन में। तो हमारे माँ बाप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं जो हमारे यहाँ से, जिन्होंने हमें इतने दूर पढ़ने के लिए भेजा। कोलकाता की घटना के बाद पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि न्याय की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है। जो घटना हुई थी और न्याय की मांग की जा रही है, हम देख रहे हैं कि नागपुर में भी बहुत बड़ा ऐसा मार्च निकाला जा रहा है। और यहाँ पे जो है इसमें सभी डॉक्टर इसमें शामिल है, सीनियर जो है जस्टिस की मांग कर रहे हैं। क्या बताओ,
मैं डॉक्टर मीनाक्षी सरस्कर गवाल की स्टेट की ट्रेजरर हूँ नीमा उमस फोरम की। आज हम यहाँ एक बहुत ही गंभीर कारण से जमा हुए हैं। ये जो हमारे पीछे हमारे साथ जो बच्चे हैं हमारे, उनमें से ही एक बच्चे के साथ जो कोलकाता में हुआ है, आज पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। मोमिता के आत्मा को थोड़ी शांति मिले और उसके जो बहन भाई यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ना हो जैसा कि वो मांग रहे हैं। वो सेफ्टी नो ड्यूटी, उनको पूरे प्रोटेक्शन का हक है क्योंकि उन्होंने समाज की देश की पेशेंट की सेवा लेने करने के लिए उन्होंने एडमिशन ली है और वो भी सेवा पर ड्यूटी पर थी। और सभी शब्द आज लज्जित हो जाएंगे इसी घटना इसके पहले किसी ने भी देखी नहीं है सुनी नहीं है ऐसी इसका रिपीट ना हो भविष्य में। और हमारे बच्चे सेफ रहे, हम सेफ रहे, डॉक्टर्स हमारे ऑन ड्यूटी, उनको सभी हॉस्पिटल्स में नाइट ड्यूटी करनी होती है, उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाए शासन ने अधिकारियों ने, बस यही हमारी मांग है। इसी के लिए हम जमा हुए हैं। आज पूरे देश भर हमने ऐसे मोर्चे निकालने का प्लान किया है और वैसे पूरे देश में हर शहर में ऐसे मोर्चे निकल रहे हैं। हमें पता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, कोई भी कंडीशन अगर आती है तो डॉक्टर उसमें से हमें बचाते हैं, लेकिन आज एक डॉक्टर पर ही न्याय मांगने की जो है वक्त आया है और आज ऐसी घटना ना हो फिर से, इसलिए ये मार्च जो है पूरे देश भर में निकाला जा रहा है। देखना होगा कि न्याय कब तक मिलता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।